माता उन बहन उन बीवियों जिनके पति सांप का नशा करके आके घर में बाल बचाते। हेलो गाइस, एल्विस यादव को मिली फिर से चुनौती। उन्हें फिर से शायद किसी जाल में फंसाया जा रहा है, भले वो अभी मुंबई पहुंचे हुए हैं और उनकी कोलैबोरेशन हुई लाठी भाई के साथ। एल्विस यादव खुद बता रहे थे कि उनके साथ कुछ चल रही है कांड और वो बताएं कि उनके साथ हुई है सांप कांड। दो लड़के और दो लड़कियां मिलकर उन्हें धमकी दे रहे हैं और आगे एल्विस यादव बता रहे थे कि डिफेमेशन के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर सकते हैं और जरूरी ये मीडिया वाले होंगे जो मेरे नाम में ऐसी बदनामियां फैला रहे हैं। और भले ही एल्विस यादव को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एविडेंस नहीं मिल रही है जब मीडिया को, तब उनके नाम में कैसे केस रजिस्टर्ड होगी। भले ही जब एल्विस यादव का नाम रेप पार्टी से जोड़ा गया था उस समय मेनका गांधी ने बहुत कुछ आरोप लगाए थे एल्विस यादव पर, और अब बताया जा रहा है कि एल्विस यादव के कारण ही डीएसपी मेनका गांधी को ट्रांसफर कर दिया गया है। और इन्हीं सब मैटर पर एल्विस यादव भी काफी मुंह तोड़ जवाब दिए। वो बता रहे थे कि यूपी के पुलिस काफी अच्छे हैं, वो अच्छे तरीके से कोऑपरेट किए एल्विस यादव के साथ और उस समय के बाद एल्विस यादव के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और क्या आप सभी जानते हैं एल्विस यादव के बारे में कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन माँ बहनों को बहुत खुशी मिले जिनके पति और बेटे सांप के जहर का नशा करके घर आए और बहुत खुशी मनाए। और ऐसा कुछ सुनते ही एल्विस यादव और उनके साथ जो भी थे सभी कोई हंसने लगे। यदि ऐसा कुछ सीरियस होता तो सच में एल्विस यादव भी थोड़ा तो डरते या घबराते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी का सब मैंने नहीं सुना था अभी तक, ये भाई नया है नया। भाई सुकून मिलेगा उन माताओं को, उन बहनों को जिनके पति। भाई लाडी भाई आप बताओ आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? पूरी दुनिया घूम दो मेरे सांप क्या कहीं मेरे भाई सांप ही विलुप्त हो गए बहन, जहर कहाँ से आ गया। एल्विस यादव भी हर एक सवाल का अच्छा से मुंह तोड़ जवाब दिए और वो बता रहे थे कि इंडियन मीडिया कुछ भी कर सकती है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ एल्विस यादव ये भी बताएं कि जब न्यूज फैला था कि एल्विस यादव रेप पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो बुलेरो सॉन्ग के लिए शूटिंग पर थे और सलमान खान के साथ ही ये शूटिंग चल रही थी प्रमोशन के लिए, फिर वो रेप पार्टी में कैसे गए? और यही न्यूज आग की तरह चारों तरफ फैल गई जिसे जानकर एल्विस यादव भी काफी शॉक्ड हुए थे। और अभी फिर से रेप पार्टी के साथ एल्विस यादव का नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि दो दिन पहले उनके साथ एक हादसा हुई थी, कोई पब्लिक प्लेस में गालियां दे रहे थे अपनी माँ और बहन के लिए जिसके कारण एल्विस यादव काफी गुस्सा हुए और उन्हें एक झापड़ धर दिए, जिसके कारण मीडिया फिर से उनका नाम रेप पार्टी से जोड़ दिए हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एल्विस यादव सच में रेप पार्टी और स्नेक वुमन के साथ जुड़े हुए हैं? और ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। जिस दिन ये न्यूज आया सुबह 11 बजे उसके एक दिन पहले रात को तो आप बिग बॉस की शूट कर रहे थे बुलेरो की, वही तो बात है। नेक्स्ट डे सुबह उठ के न्यूज आया कि एल्विस यादव कल रात को रेप पार्टी में पकड़े गए, लेकिन ऑनेस्टली मैं खुद प्रेजेंट था सेट पे और आप सलमान भाई के साथ शूट कर रहे थे उस दिन। उस टाइम तो सलमान भाई भी मौजूद था, सलमान भाई ने हाथ मिला के अपना केस मेरे को पकड़ा दिया वाइल्ड लाइफ। भाई ध्यान से चलाओ तुम्हें नहीं मिलेगा, ये शराब भी नहीं थी, शराब आपने कंपैरिजन दिया ना, ये एक बहुत बड़ा नशा था, ये अब जाने बचेंगी अगर ये रुक जाता है पकड़ा जाता है, ये रॉकेट बस्ट हो जाएगा पूरा स्नेक बाइट का। और स्नेक बाइट का जहर अगर हमारे देश में नोएडा जैसी जगह पे लोग ला रहे। करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर, इनको व्यू रहे इसलिए लोग छाप रहे। अगर कोई किसी के लिए पॉजिटिव छापेंगे इनको मिलेंगे नहीं व्यू।